मराठी और राजस्थान के लोग, इन दोनों के बीच में जो है वो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ ही गया था। तो वो तो मैं अभी भी कहता हूँ मराठियों से, कहता है यार तुम लोग लूटपाट पहले भी ज्यादा ही करते थे और अभी भी करते ही है। तो अभी लूटपाट डायरेक्ट नहीं है, वो तो मैं आपको बताता हूँ पुणे किससे, कि मैं तो पुणे रहा हुआ हूँ, मतलब महाराष्ट्र के अंदर मेरा अच्छा वो जो है ना कॉन्टेक्ट है। तो जो वहां के लोग, उनको बिजनेस करना आता नहीं है, वहां पे बिजनेस पूरा पूरा जो है वो सब राजस्थानियों और गुजरातियों के हाथ में है, और विशेषकर राजस्थानियों के हाथ में। तो वो लोग राजस्थानियों को खूब गाड़ियां बोलते हैं, जितना उनके दिमाग में है उतना बोलते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस जो राजस्थानियों के साथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि सब राजस्थानी राजस्थानी होते हैं। राजस्थानी आदमी जो होता है वो सुबह 6 बजे दुकान खोलता है। मैंने शायद पहले आपको बताया होगा, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं पे शॉर्ट में खत्म करता हूँ, कि राजस्थानी आदमी सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे बंद करता है। वो भी इसलिए क्योंकि सब वहां पे गाइडलाइन है, मतलब पुलिस की है, भी पुलिस कहती है 11 बजे दुकान बंद करो, वरना जो है ना राजस्थानियों को यूं आप छूट दे दो तो साहब राजस्थानी 24 घंटे दुकान लेके बैठ रहे, उसको कौन बंद करवाए दुकान। और वो तो उसमें राजस्थानी ने वहां पे महाराष्ट्र के में बिजनेस करके बोले कितने पैसे कमा लिया हो, भले वो है ना लखपति करोड़पति अरबपति कितना ही हो गया हो, लेकिन फिर भी वो साहब उसके लिए सबसे बड़ा भगवान कोई होता है, तो वो होता है कस्टमर, और वो कस्टमर का सम्मान करता है। मतलब खाना भी खाएगा ना तो भी काउंटर के नीचे चिपके रहे खाना खाता है, और जैसे कस्टमर को देखता है तो अपना ग्रास नीचे रख के हाथों हाथ हाथ धो के फटाफट भाग के आता है, कस्टमर से कहता है हाँ सर बताओ क्या चाहिए, और वो कस्टमर की मतलब पूरी सेवाएं देता है। सब कस्टमर कहता है बिल्कुल सर। और राजस्थानी गुजराती नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं बहुत बढ़िया वो है ना सेल्समैन होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो वो तो यूं फिर कहता है कि सर बिल्कुल आप तो ये लेके जाओ और कुछ भी नहीं। जबकि वहां पे जो सब है ना मराठा जो होते हैं, मराठा सब तो मैं कहूंगा गलत होगा, महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं उनकी बिजनेसमैनशिप जो है बिल्कुल अलग होती है। वो लोग तो सुबह आराम से 9 या 10 बजे दुकान खोलते हैं, दिन में 12-1 बजे दुकान बंद करते हैं, फिर वापस जो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस शाम को खोलेंगे, और कस्टमर ज्यादा कुछ भी फां फूं करे तो कस्टमर को धमकाते और है। जबकि अपने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं कस्टमर से, वो तो यूं ही मतलब पूरी दुकान का सामान बिखेर देंगे, और कस्टमर कुछ भी नहीं खरीदेगा ना तो भी वो व्यक्ति आराम से कहता है कि साहब देखो हालांकि मैंने सामान तो ठीक ठाक लाया हुआ था फिर भी आपको पसंद नहीं आया तो हो सकता है हमारी गलती है कहीं ना कहीं, और आप मतलब ना प्लीज एक बार और सेवा का मौका देना, आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो राजस्थानी विशेषताएं थी। चलो पता नहीं ये बात कहां से वो स्टार्ट हुई थी, किसी कमेंट पे स्टार्ट हुई थी। चलो